और आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त रैली को संबोधित कर रही हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, मैं व्रत हूं तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं उपस्थित सभी नेतागण को यहाँ पे मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। श्री भूपेश बघेल जी, श्री अजय कुमार लल्लू जी, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, श्री दीपेंद्र हुडा जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री सलमान खुर्शीद जी, श्री पीएल पुनिया जी, राजेश मिश्रा जी, अजय राय जी, श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्सएमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सोहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, ब्रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा किसान महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है, इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई, यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे, जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी की, जहां पर प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं और यहां पर उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे
भाजपा के कार्यकर्ता तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि यह सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी। मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं। खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी GST लगा रखी है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 आज हुआ, 1000 रुपए में रसोई का गैस, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, कोयला खत्म हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।